वर्णाथसा राम च चर्ता वंदे वाणी विनायकौ डॉक्टर नीना रंजन प्रोफेसर गोस्वामी माय एस्टीम्ड फेलो टीचर्स आई फील दैट इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी To be invited here and have this opportunity to speak to you on a subject which is not just a matter of making bread for you, but of daily thought and for an effort to make an achievement every day in your classroom. This lecture named after a great soul, Kamala Devi Chattopadhyay, whom we know was one of the great stalwarts of continuing and preserving culture at the smallest level and at the highest philosophical level. So it is a very humble tribute on my part. To dare to say a few words in the memory of a great figure like her. Now, the lecture probably has been distributed to you, and some of you may have had already a look at the lecture Reviving Indian Heritage in Education. I'm not going to read out the lecture because uh, that makes it rather uh, rather uh, oppressive to listen if one just reads out these eight pages. So I would like to talk to you about the things that I have said. Maybe I'll say a few different things from what I hear maybe i leave out certain things but you have the text and uh, the present uh, submission should be seen in the context of the topic reviving indian heritage in education now on the face of it it is nothing new because almost everybody feels the need for it कुछ इसमें नई बात नहीं है क्योंकि हम सब चाहते हैं भारतीयों के नाते कि हमारी भारतीयता शिक्षा में किसी ना किसी प्रकार से लौट आए और हम सब जानते हैं कि ऐसा पिछले छियासठ साल में हो नहीं पाया है तो मेरे पास भी जो आपसे कहने के लिए है वो शायद एक सोचने का तरीका है वो एक सोल्यूशन नहीं है इट इज़ नॉट ए प्रिस्क्रिप्शन दैट आई हैव बिकॉज आई हैव थाट ओवर दिस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स नॉट इन ऑर्डर टू गिव अ सोल्यूशन ये नहीं कि मैं एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ बल्कि ये एक समस्या रही है मेरे 40 वर्ष के विश्वविद्यालय में पढ़ाने में अगर मैं इसके ऊपर कुछ आज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ तो ये कंक्लूजन नहीं है ये एक विचारधारा का हिस्सा है और जो मेरी बातें हैं और जो मैं इसमें कह रहा हूँ वो हो सकता है कि बिल्कुल सही ना हो और हो सकता है कि अच्छी हो लेकिन शायद उनका महत्व तो तभी होगा जब आपके मन में कुछ और आपके दिमाग में वो कुछ सोचने के लिए बाध्यता करेंगे तो मैं क्या कहने जा रहा हूं एक हमारा बड़ा पुराना टेक्स्ट है पंचतंत्र आप सब जानते हैं कि पंचतंत्र की वैल्यू क्या है बच्चों को कहानियाँ सुनाने की वैल्यू तो है उसकी लेकिन वो लिखा किस लिए गया था तो कहानी ये आती है कि एक राजा के तीन नालायक बेटे थे कभी कभी किसी डेमोक्रेसी में तीन बहुत लायक पार्टीज नहीं होती हैं तो लगभग ऐसी ही समस्या हो जाती है तो उस राजा के जो तीन नालायक बेटे थे उन्होंने एक चिंता पैदा कर दी राजा के दिमाग में कि मेरे बाद ये क्या शासन संभालेंगे क्या करेंगे मुल्क का क्या होगा हश्र और उसने देखा कि ये तो कहीं पढ़ने नहीं जाते बड़े उद्दंड हैं कोई गुरु इनको कुछ सिखा नहीं पाता तो उसने कहा कि ऐसा कौन है जो इन्हें कुछ शिक्षा दे दे और विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान को बुलाया गया और उसने कहा ठीक है मैं इन्हें सिखाऊंगा और उसने वो कहानियाँ सुनाई जिसको हम पंचतंत्र कहते हैं जिसके पांच हिस्से हैं तो ये कहानियाँ वास्तव में सब जानते हैं कि ये गवर्नेंस के बारे में नीति के बारे में है कि आप ज़िंदगी कैसे जिए लेकिन जिंदगी सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं जिए बट इसलिए जिए ये जिंदगी कि आप एक अच्छे शासक होते हुए जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहाँ के समाज को आप कैसे सुरक्षा दे सकें ये है तो पंचतंत्र वास्तव में इसके बारे में बना है बहुत सारी बातें उसमें हैं मैंने शुरुआत में एक इसमें से श्लोक लिया है उद्यमेन ही सिद्धियती कार्याणी न मनोरथई न ही सुप्त सिंह से प्रविशंती मुखे मृगा दैट इज एनिमल्स डोंट एंटर द माउथ ऑफ ए स्लीपिंग लायन The lion has to get up and kill them. He has to make an effort. उद्यम के द्वारा ही हमारे कार्य पूरे होते हैं सिर्फ ये कहते रहने से कि देखो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं मुझे ही वोट दे देना मैं ऐसा कर दूंगा मैं वैसा कर दूंगा कार्य सिद्ध नहीं होते न जीवन में सिद्ध होते हैं न समाज में सिद्ध होते हैं न राजनीति में सिद्ध होते हैं तो अगर हम ये कहते रहें जैसा कि बरसों से हम कहते आए हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी निराली है बहुत ऊंचे अवस्था तक पहुंच गई थी और गिरने के बाद भी बहुत बड़े आदर्शों को पालन कर रही है तो सिर्फ कहते रहने से ये कुछ नहीं हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे कोई उद्यम नहीं इसका को मूल्य जब होगा जब ये इसके पीछे एक परिश्रम होगा देखिए एक गाना मैंने बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ सारे जहां से अच्छा हमारा एक प्रकार से राष्ट्रीय गीतों में इसकी श्रृंखलाओं में से एक गीत है और उसकी एक लाइन है बड़ी आ, मार्मिक लाइन है आप जानते होंगे यूनान यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा तो यानी हमारे ऊपर बहुत बड़े हमले हुए और आज भी हमारे बहुत दुश्मन हैं लेकिन हमारी हस्ती नहीं मिटती कुछ बात है मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब वो दौर ख़त्म हो गया कि हम कुछ बात है कुछ बात है इसी के बारे में अपने आप को एश्योर करते हुए ज़िंदगी जीते रहें और करते रहें कि हम महान हैं हमारी संस्कृति महान रही है तो ये जो एक हमारा इमोशनल आधार है जिससे हमने अपने पिछले पचास साठ वर्ष का जीवन चलाया है आज़ादी के बाद का शायद अब वो उसी धारा से उसी विचार से नहीं चल सकता ये गाना लिखा गया था जब आज़ादी की लड़ाई थी लड़ी जा रही थी उस समय इस तरह के गीत बड़े आवश्यक होते हैं ऐसे सैकड़ों गीत लिखे गए आपने सु... माखन लाल चतुर्वेदी की जो स्कूल की किताबों में बहुत होती है फूल की अभिलाषा मुझे फेंक देना बनमाली देना उस पथ पर फेंक मातृभूमि पर फूल शीश चढ़ाने आते हों जहाँ वीर अनेक हिंदी हिंदी की सब कविताओं होता है तो ये इस प्रकार का दौर था जबकि ये गीत हमें जागृत कर रहे थे और इस प्रकार के स्वाभिमान को जगा रहे थे अब प्रश्न ये उठता है कि पिछले साठ वर्षों में जब हम इसको उद्यम के द्वारा सिद्ध नहीं कर पाए तो अब हम क्या करें क्योंकि पंचतंत्र के सैकड़ों श्लोकों में से एक सबसे बड़ी बात यही आती है कि आप क्या प्रयास करें? और कहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है शिक्षा के क्षेत्र में कि हम ऐसी शिक्षा नहीं बना पा रहे जो समर्थ नौजवान समर्थ नवयुवतियाँ शिक्षा के संस्थानों से बाहर लाएं जो देश के हर कार्य को नैतिक और आर्थिक रूप से संभाल सकें तो इसमें सोचना ये है कि वैचारिक रूप में हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां आ गई देखिए ये बड़ा आसान है एक टीचर के लिए कहना कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ बैठने के लिए कुर्सी नहीं है ऐसा तो होता ही है मैंने बरसों पढ़ाया है जब मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजा गया तो पाँच वर्ष तक वो कॉलेज तंबुओं में ही लगता रहा तो ठीक है हम सब डिमांड करते थे जायज़ बात थी लेकिन आप सब जानते हैं एक प्राध्यापक अध्यापक अध्यापिका के नाते कि मेज़ कुर्सी और तंबू से शिक्षा दब नहीं जाती और अगर एयर कंडीशन कमरा मिल जाए तो शिक्षा हो नहीं जाती तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं आज मैं देखता हूँ सड़क पर ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनकी बसें भी एयरकंडीशनड होती मैं हैरत करता हूँ कि बच्चे उन स्कूलों में दिल्ली के अंदर ऐसे कई स्कूल हैं जो एयर एयरकंडीशनड हैं जिनकी बसें एयर एयरकंडीशनड हैं और मैं सोचता हूँ कि ये बच्चे तो ऐसे स्कूलों से निकलेंगे जो को फूक मार देगा तो उड़ जाएंगे दुनिया में भारत में कैसे जिएंगे कौन सी कौन सी तितीक्षा कौन सी सहनशीलता उनको सिखाई जा रही है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विकृति आ गई है तो सोचना यह है वन हैज टू रियली गिव माइंड टू दिस थिंग नाउ एज आई सेड that very easily people make the prescription that if you do indian heritage then things will change but what has happened over the years is something very very acute and we are very well rea we realize that in our country, in the last six to seven hundred years, there have been no major universities. You all know that there was a time when, for not just two or three hundred years, but for several hundred years, people were coming from all over the civilized world and largely from China to learn. A lot of scholarship, logic, philosophy, religion, uh, very technical, practical things like Patu and yoga and army uh, and martial arts from Indian institutions and universities. Now, for a long period, we have had no universities and we have had no institutions. and when we started making institutions in last 150 years, all these institutions gave up the systems of knowledge, which were the systems for which people came from other countries. agarcheen say, or vietnam say, और ईरान से यानी उस समय जो पर्शिया था लोग यहाँ पढ़ने आते थे तो वो एक नॉलेज सिस्टम्स के लिए आते थे दे दे केम टू अंडरस्टैंड ऑल दोज डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज सिस्टम्स विच वर बींग टॉट हियर वेन द ब्रिटिश स्टार्टेड रिवाइविंग द एजुकेशन सिस्टम दे ब्रॉट इन एंटायरली a different system and that system somehow has stayed exactly as it is and as a matter of fact i am so pained to see over years that every effort is being made still to preserve that system by each and every political party that comes into power Not only preserve that system, to update the present state of education system in order to fall in line or become closer and closer to the American and the European universities. I mean, you are all perhaps not aware of a crisis that has happened in Delhi University, the four year course. Universities which were ए यूनिवर्सिटी विच वॉज ऑलरेडी स्वाम्प्ड बाई लैक ऑफ रिसोर्सिस हैज़ बीन गिवन वन मोर ईयर ऑफ टीचिंग जस्ट सो देट पीपल कैन गो टू स्टूडेंट्स कैन गो टू अमेरिका मोर इजीली तो ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं भी हमारे दिमाग में ये नहीं आ पा रहा है और कोई भी दर्शन लेकर कोई भी विचार लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है तो कहीं भी उनके द्वारा ये नहीं आ पा रहा कि अब हम इस दलदल से बाहर कैसे निकले हाउ टू कम आउट ऑफ इट वाई इज इट सो सी दिस इज एग्जैक्टली मेजर प्रॉब्लम अब इसमें देखिए बहुत बड़ी बातें ये हैं वॉट हैज टू बी व्हाट हैज़ टू बी थाट वेरी क्लियरली that when the british made a system of education then we all know that they made it in order to run the bureaucracy of different levels within india so their primary concern was to give you a bureaucracy at a later date they gave what was called the ics and then of course a whole bunch of just people who could simply at the graduate level do some study or at the half graduate level do some study and fill up the ranks of the government clerks now this remained the situation even when i went to college in 1960s i went to a very good institution supposedly a very good institution and you know what happened in that institution everybody wanted to become an ifs or an ias officer and that college was called ias preparatory school just imagine the best institution so called best one of the best institution bragged of itself as the high point of excellence being that it should be able to provide ias and ifs to the country that it should not be able to provide nobel prize winners or great scholars or great pundits or great musicians or great dancers nothing it was only this i'm talking of 1960s i went to college from 64 to 1969 in delhi and when I started teaching in the 70s, the situation remained like this till almost 1990. The avenues were very, very small. Why? Because the whole system stayed as it is. And some of the greatest thinkers in the whole of the 20th century, like Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo, Rabindranath Thakur, the system which was provided by them regarding education was totally ignored. So, the British what they did was, in order to create a System of bureaucracy and a system which you could go into for the sake of a living or an excellent living. And you know, unfortunately, what has happened after 1990 is that the IAS officers are being replaced by the private sector executives. What are the schools which are most sought after schools today? The business schools. So, if your daughter or if your son goes to the business school and then eventually wriggles up to an American business school, then the person is a success. Now, as a teacher and as a father, I think it is a tragedy for us. Because business is not only what life is made of business is not only what provides you happiness. you know in bhutan they have started working what they called a happiness quotient. that happiness is to not to be measured in, num, uh, in the number of cars that you have or how big a house you have, but in certain other terms. you will start measuring what is how content you are. How creative you are, how much reconciled you are to other people, those will become the touchstones of happiness. So they are thinking of happiness in non acquisitional terms. And this is a radical change in values. The system which was initiated in India was. A it actually a system which was meant to degrade the totality of values of life to a very small purpose and we have not been able to come out of that